हमने ये क्रूज जो है ये ऑर्गेनाइज किया है टूरिस्ट के लिए, और ये जहाज भी जो है हमने गंगा नदी के लिए स्पेशली बनाया है, जिससे कि लोग यहाँ आ सकें और इन एरियाज को जहाँ कोई नहीं जाते लोग देख सकें। ये जहाज कहाँ से चली और कहाँ तक जाएगी और क्या है पूरा कुछ डिटेल? ये देखिए, ये जहाज जो है इसकी खासियत यह है कि ये मेड इन इंडिया में है, ये इंडिया में बना है। इसका पूरा क्रू जो है, जो भी है, वो सब इंडियन है। और तीसरी चीज यह है कि वो सब अलग अलग प्रांतों से आए हैं, यूपी के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं, उड़ीसा है, पंजाब है, एमपी है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, तो सब जगह से लोग आए हुए हैं। ये जहाज कलकत्ता से चला था और ये बनारस में ये पहुंच जाएगा कल रात को। क्रूज में कितने यात्री हैं? हाँ, क्रूज में 30 यात्री हैं इस वक्त, और ये यात्री बनारस में उतर जाएंगे। बनारस में दूसरे यात्री जो हैं वो आके चढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने तो यात्रा कर ली, सब चीज देख ली, तो वो लोग नए लोग आके बनारस में कल चढ़ेंगे। कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा सर? हाँ, जो क्रूज जो है कोलकाता से चली है और बनारस तक पहुंचेगी, ऐसे में कौन कौन से पर्यटक स्थल मिले हैं जहाँ सैलानी जो है उसका लुत्फ उठा? बहुत से सब अलग अलग प्रांतों में बहुत से पर्यटक स्थल है, जैसे आपका गाजीपुरी है, गाजीपुर है यहाँ, फिर उसके बाद में बनारस है, और इससे पहले हम वहाँ भी रुके थे, बक्सर में रुके थे, और बक्सर से पहले हम एक गांव में रुके थे बलिया में, तो वहाँ भी रुके थे। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जो छोटी छोटी, यहाँ कोई नहीं जाता है, वहाँ भी गांव में रुकते। उससे पहले हम रुके थे एक जगह चिरान, चिरान आर्कियोलॉजिकल जियोलॉजिकल साइट है, उससे जो कि गंगा के किनारे है। उससे पहले हम रुके थे पटना, और पटना से पहले मुंगेर, सिमरिया, सिमरिया में एक महीने का मेला चल रहा है, यहाँ पे चलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग, फिर उससे पहले हम सबदा घाट रुके झारखंड में, और फिर वेस्ट बंगाल में, जैसे यहाँ मुर्शिदाबाद है, कलना के मंदिर हैं, कलकत्ता है, तो ऐसी सभी प्रांतों में रुकते हुए आए। गाजीपुर का क्या सिस्टम है सर? गाजीपुर में क्या? देखिए, गाजीपुर में क्या है कि जो संभावना है जो हमने देखी है पर्यटन की, एक तो लॉर्ड कार्नवालिस का टूम है, तो उसको हम देखेंगे, उसके और पास है, तो यही चीज है अभी फिलहाल देखने की। और अगर बाद में हमने जो दूसरा जहाज चलाया जो कि बनारस या इलाहाबाद से चलेगा यहाँ के लिए, उसमें गाजीपुर के लिए और भी कुछ होगा, तो इसके अलावा और भी कुछ अगर चीजें होंगी वो भी हम दिखवाएंगे। ऐसे में अगर बात किया जाए कि इसका जो जानकारी आ रही है कि इसका जो है हरी झंडी जो है प्रधानमंत्री जी दिखलाने वाले हैं। हाँ, देखिए, ऐसा सुना तो मैंने भी, ऐसा है, मेरे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है, पर मैंने ऐसा सुना है कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि गंगा जी को और का प्रमोशन के लिए बहुत उत्सुक है कि हमारी जो नदियां हैं वो उनमें वो काम में आए, उनमें पैसेंजर्स भी चले, कार्गो भी चले, तो इसलिए उनका बहुत इस तरफ ध्यान गया है, और वो पूरा अपनी तरफ से महत्व दे रहे हैं कि इस तरह की यात्रा जो है वो सही रहे, जिससे लोग अच्छे खुश होकर जाएं, तो लोग जाएंगे तो और लोग भी आएंगे, और जहाज भी चलेंगे और कार्गो भी चलेगा। तो भारत सरकार अपना पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है कि अपनी तरफ से इसको किस तरह से अच्छी तरह से चला सके और लोग और आए। कोलकाता से गाजीपुर की सफर तय करने में क्या कोई कठिनाई या कुछ? देखिए, ऐसा कठिनाई तो आती है, अब फॉग जैसे फॉग आ गया, तो अगर फॉग आ गया तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे वेदर कंडीशंस भी होती हैं, नदी है, नदी अपना प्रभाव बदलती है, तो अगर एकदम नदी ने प्रभाव बदल दिया तो हमको थोड़ा रुकना पड़ेगा उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये नेचुरल चीजें हैं जो आती हैं और उसको डील करना पड़ता है, और वो कर लेते हैं। हमारे जहाज पर वो सारी सुविधाएं, और भारत सरकार की तरफ से भी पूरी सुविधाएं की कोशिश है कि भाई कोई ऐसी चीज नहीं हो जिससे कि ये यात्रा सफल रहे। विदेशी सैलानी भी इसमें? हाँ, विदेशी सैलानी सब है, सुबह बक्सर घूमने गए थे, और अभी भी क्या है कि अपने एक लेक्चर है, हमारे पास लेक्चरर्स होते हैं, वो लेक्चर कर दे रहे हैं, तो इसलिए क्या क्या। और ये ट्रैवल पीरियड जो है कलकत्ता से और बनारस तक ट्रैवल पीरियड 18 दिन का है, 18 दिन का इसलिए क्योंकि हर जगह रुकते हैं। जो नदी है ना, आपने सुना होगा कि नदी की धारा होती है, धारा अंडरग्राउंड होती है, तो जहाज धारा में ही चलता है, सीधा नहीं चलता है पानी का जहाज, तो इसलिए उसमें रुकते हुए आते हैं, दिखाते हुए आते हैं। इसे 17-18 दिन तो लगते ही लगते।